आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर बुधवार को रिलीज हुआ। टीजर में आलिया भट्ट के करियर का अब तक का सबसे दमदार रूप फैंस को देखने को मिला। 1 मिनट 30 सेकंड का टीजर एक ऐसी छाप छोड़ता है जिसे देखकर हर कोई आलिया की तारीफ कर रहा है। ऐसे में अब फिल्म में सुपरस्टार अजय देवगन की भी एंट्री हो गई। संजय लीला भंसाली की बहुचर्चित फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में अजय देवगन की एंट्री हो गई। फिल्म में अजय मेहमान की भूमिका में नजर आने वाले। ऐसे में अजय अब अपने हिस्से की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। कई दिनों से खबरें आ रही थी कि अजय फिल्म में एक खास रोल में नजर आएंगे, लेकिन अब इस बात पर मोहर लग गई है। अजय देवगन इस फिल्म में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। अजय आज ही से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत करेंगे। फैंस फिल्म में अजय के रोल को लेकर काफी उत्साहित है। इस फिल्म के साथ ही पहली बार आलिया और अजय देवगन एक साथ अभिनय करते नजर आएंगे, जबकि अजय देवगन 22 साल के बाद संजय लीला भंसाली की किसी फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इससे पहले अजय देवगन ने संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में काम किया था। इस फिल्म में अजय की काफी तारीफ की गई थी। ऐसे में अब गंगूबाई की शूटिंग अजय शनिवार यानी आज ही से शुरू कर देंगे। फिलहाल अजय देवगन के रोल के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि वो फिल्म में करीम लाला के रोल में नजर आ सकते हैं। करीम लाला ही वो शख्स थे जिससे गंगूबाई ने न्याय की गुहार लगाई थी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि अजय का यही रोल है या फिर कुछ और। वहीं आलिया ने फिल्म में डायलॉग उसी प्रकार की भाषा में बोले हैं जैसे कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से आई महिला बोलती है। गंगूबाई गुजरात से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उन्होंने मुंबई में आकर जो अपनी धाक जमाई वो दिल को छूती है। एक लड़की जिसे जबरन मुंबई के कमाठीपुरा के रेड लाइट एरिया में बेच दिया गया था, वो कैसे मुंबई की लेडी डॉन बन गई। आलिया भट्ट की फिल्म उसी कहानी को दर्शाती है। बहरहाल अब फैंस को इस फिल्म के साथ साथ अजय आलिया की जोड़ी को एक साथ देखने का बेसब्री से इंतजार है। इस बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।